अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। रेसिपी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे ग्रिल बर्गर। ग्रिल बर्गर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? यहाँ पे हमने ले लिया चिकन का कीमा, देखें, और यहाँ पे हमने ले लिया दो दरमियाने साइज के प्याज ले लिए थे और इनको इस तरह से ठीक सा काट के सोते कर लिए। आधा टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, एक खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर, एक चम्मच हमने ले लिया हरा धनिया, एक चम्मच ले लिया लाल मिर्च का पाउडर, नमक टू टेस्ट है, एक चम्मच अदरक का पाउडर, एक चम्मच लहसुन का पाउडर, दो चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच ले लिया कुटा हुआ ज़ीरा, एक चम्मच हमने ले लिया सब्ज़ मिर्च जी, एक चम्मच मस्टर्ड पेस्ट और एक चम्मच सोया सॉस जी। भी बस चिकन कीमा डालेंगे, ये देखिए, ये देखिए जी, फिर चिकन का कीमा ले लिए। अब हम इसमें इस प्याज डालेंगे सोते किए हुए, तो जी भी बस हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, एक चम्मच आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच पेपरिका पाउडर, एक चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, एक चम्मच लहसुन का पाउडर, एक चम्मच अदरक का पाउडर, दो चम्मच चिली सॉस, नमक टू टेस्ट है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कहीं कम खाना पसंद करते हैं, कोई ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। चम्मच इसमें डालेंगे सोया सॉस, एक चम्मच डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। तो जी व्यूअर्स, देखिए तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। लिया था चिकन का कीमा 1 किलो, ठीक है, इसमें तमाम चीज़ें डाल के अच्छे से हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने नमक डाला है 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, इसको भी कर लेंगे मिक्स। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए इसके पैटी बनाने के लिए हमने ढक्कन ले लिया और इस पर हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि पैटी जो है वो आसानी से निकल आएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए इस तरह से, इस तरह, इस तरह से हम कीमा डाल देंगे। तो जी भी बस देखिए, हम इसके पैटी निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से सारे पैटी जो है वो तैयार कर लेंगे। तो जी भी बस आप देख सकते हैं, माशाल्लाह हमने सारे पैटी जो है वो रेडी कर लिए हैं, देखें। अब हम इनको रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए हमने बर्गर वाले बन ले लिए हैं, ये देखिए। तो जी व्यूअर्स, ग्रिल पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल, फ्लेम ऑन कर दी है। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बन को हल्का सा फ्राई कर लिया। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए ग्रिल पैन में मैंने तकरीबन 3 चम्मच ऑयल डाला है और पैटी भी हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। हम एक पैटी उठाएंगे, मीडियम लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। तो जी भी बस आप देख सकते हैं पैटी जो है वो फ्राई हो रहे हैं और आपने फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम लो पे रखनी है ताकि ये जले नहीं और काले ना हों।
जी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया इस तरह। ये देखिए इनकी जो साइड है वो चेंज कर दी है। अब फ्लेम जो है लो पे कर देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो, जले नहीं। जी व्यूअर्स देखिए पैटी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम इस पे रख देंगे चीज़ का स्लाइस इस तरह से। इसी तरह सारे पैटीज पे चीज़ का स्लाइस रख देंगे। जी व्यूअर्स ये देखें ये सॉस हमने बना लिया था। एक कप हमने लिया था केचप, आधा कप मायोनीज, दो चम्मच चिली सॉस, एक चम्मच मस्टर्ड पेस्ट और आधा चम्मच सिरका। इसको मिक्स करके हमने ये सॉस बना लिया है। बना देंगे टमाटो, खीरे के दो स्लाइस और इस तरह से दो प्याज के स्लाइस। आपकी मर्जी है, आप सैलेड डालना चाहते डालें, नहीं डालना चाहते ना डालें, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। कुछ लोग सैलेड के साथ खाना पसंद करते हैं, कुछ सैलेड के बिना भी खाना पसंद करते हैं। सॉस लगाएंगे, ये देखें पैटीज के ऊपर चीज़ रखी थी कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। देखें यहाँ पे ऐसे रखेंगे, फिर सॉस लगाएंगे। और ये ऊपर ऐसे तो जी भी बस ये देखें आपका ग्रिल बर्गर जो है वो रेडी हो गया है। देखें इसी तरह से सारे बर्गर रेडी कर लेंगे। तो जी भी बस फाइनली माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये देखें ग्रिल बर्गर कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ग्रिल बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा।